अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मज़हर मेव। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि कौन सी टीमें बाहर हैं, कौन सी अंदर हैं, कौन सी चार टीमें आगे जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई हमें बताएं पिशावर को चांस है या बाहर हो गई है, मुल्तान का क्या बनेगा, कराची का क्या बनेगा, क्वेटा का क्या बनेगा, इस्लामाबाद का क्या बनेगा। और अक्सर तो ज़्यादातर तो यही कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर बाहर होगी और पिशावर जुल्मी बाहर होगी है। ये तो बात ठीक है कि लाहौर कलंदर बाहर हो गई है, लेकिन ये बात अभी गलत है कि पिशावर जुल्मी बाहर हो गई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कौन सी टीमें बाहर हैं और कौन सी नहीं है। मैं आपको सारी तफसीलात बताता हूँ, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सबसे पहले नंबर पर जो टीम है ये हैं क्वेटा ग्लेडिटर्स। इसके 8 मैच हैं, ठीक है, 10 इसके पॉइंट हैं। आप ये ना देखें कि कितने वोन किए हैं कितने लूज हैं, वो छोड़ दें, उनका उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। हमने टोटल मैच देखने हैं, टोटल 8 मैच क्वेटा ने प्ले किए हैं, 10 पॉइंट हैं। और हाँ, रन रेट देख लेते हैं, रन रेट इसका 0.587 है, ठीक है। और सेकंड टीम है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसने भी 7 मैच प्ले किए हैं, इसके भी 10 पॉइंट हैं और इसका रन रेट है 0.244। तीसरी जो टीम है कराची किंग्स, इसने 7 मैच प्ले किए हैं, ठीक है, इसके 9 पॉइंट हैं, इसका रन रेट है 0.217। चौथी जो टीम है वो है मुल्तान सुल्तान, इसने 9 मैच प्ले किए हैं, इसके 9 ही पॉइंट हैं और इसका रन रेट है -0.004। पांचवें नंबर पर जो टीम है वो है पिशावर जुल्मी, इसने 8 मैच प्ले किए हैं और इसके 6 पॉइंट हैं और इसका रन रेट है 0.166, ठीक है। लाहौर कलंदर बाहर है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो तो बाहर है, बस ये 5 टीम है। तो अब आप देखें पॉइंट, अभी अगर पिशावर जुल्मी के 8 मैच हैं, 2 मैच रहते हैं, अगर वो 2 मैच जीत जाती है अच्छे रन रेट से, रन रेट उसका पहले भी ठीक है, 0+ में है, माइनस में नहीं है, उसके 6 पॉइंट हैं और उसके 2 मैच रहते हैं, 2 मैच जीते हैं तो 1 मैच पे 2 पॉइंट मिलते हैं, 1 मैच विन करे तो 2 पॉइंट मिलते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट हो गए। और अब ये क्वेटा ग्लेडिटर्स को लगा लें, इसके भी 10 हैं, इस्लामाबाद के भी 10 हैं। हाँ, पिशावर जुल्मी, मुख्तसर बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि पिशावर जुल्मी अगर 1 मैच हार जाती है, फिर इस पिशावर जुल्मी और लाहौर के अंदर कन्फर्म बाहर हो गई हैं, फिर तो कोई चक्कर नहीं है, फिर मुल्तान भी हार जाए, कराची भी हार जाए, इस्लामाबाद भी हार जाए, क्वेटा भी हार जाए, जो मर्जी हो, अगर पिशावर जुल्मी 1 मैच हार जाए फिर तो ये कन्फर्म बाहर है। हाँ, अगर पिशावर जुल्मी 2 मैच जीत जाती है तो फिर क्या बनेगा, फिर दोस्तों ये देखें, क्वेटा ग्लेडिटर्स के 2 मैच हैं, इसको भी एक लाजमन जीतना पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 10 पॉइंट हैं, इसको भी एक लाजमन जीतना पड़ेगा, कराची किंग्स के 9 पॉइंट हैं, इसको भी लाजमन एक जीतना पड़ेगा, मुल्तान सुल्तान के भी 9 पॉइंट हैं, इसको भी लाजमन जीतना पड़ेगा। अगर ये 1 मैच मुल्तान सुल्तान का रहता है, अगर ये 1 मैच हार जाती है और पिशावर जुल्मी 2 मैच जीत जाती है तो मुल्तान सुल्तान बाहर हो सकती हैं। और इसी तरह ये क्वेटा ग्लेडिटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो 3 मैच रहते हैं, तो 3 मैच और उसकी परफॉर्म भी काफ़ी अच्छी जा रही है, और क्योंकि वो शुरू शुरू में 2 मैच हारी थी, उसके बाद वो मुसलसल जीतती आ रही है और उसके वैसे भी बकाया 3 मैच हैं, तो उम्मीद है कि वो 1 मैच जीत ही जाएगी। तो आप ये क्वेटा ग्लेडिटर्स को लगा लें और मुल्तान को लगा लें, मुल्तान का 1 मैच है और क्वेटा ग्लेडिटर्स के 2 मैच हैं, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, ये आप देखें, ये देखें, 11 मार्च यानी कि आज मैच है कराची किंग और लाहौर कलंदर का, ठीक है। अगर कराची किंग विन कर जाती है तो कराची किंग आज कन्फर्म, ये तो आगे पहुँच जाएगी कन्फर्म। फिर 13 मार्च को मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत जाती है तो ये कन्फर्म आगे है, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत जाती है तो ये कन्फर्म आगे है, जो टीम जीतेगी वो तो कन्फर्म आगे चली जाएगी। 14 मार्च को क्वेटा ग्लेडिटर्स और लाहौर कलंदर का है, अगर क्वेटा ग्लेडिटर्स जीत जाती है तो ये तो कन्फर्म आगे पहुँच गई ना, और लाहौर कलंदर जीते इसका तो छोड़ ही देना।
15वें आ मार्च को मैच है पिशावर जुल्मी और कराची किंग्स का, ठीक है। इसमें अगर पिशावर जुल्मी जीतती है तो उसके पास वो भी आगे तो नहीं गई, उसके 8 पॉइंट होंगे, उसके लिए एक मैच और जीतना होगा। और कराची किंग अगर जीते तो ये फिर टॉप पे चली जाएगी, टॉप वन में आ जाएगी। और क्वेटा ग्लेडिटर्स और बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, इस ये काफ़ी टफ मैच है। क्वेटा ग्लेडिटर्स भी अच्छी परफॉर्म में जा रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छी परफॉर्म में जा रही है। दोनों दोनों बेटर टीम है, दोनों का बिग मुकाबला होगा काफ़ी। और इनमें से अगर क्वेटा ग्लेडिटर विन करती हैं तो आगे चले जाती हैं, और अगर हार जाती हैं, ये दोनों मैच अपने हार जाती हैं, तो ये भी बाहर हो सकती हैं। अगर ये लाहौर से हार जाएं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार जाएं तो ये भी बाहर हो सकती हैं। और पिशावर जुल्मी और लाहौर के अंदर का एक मैच है, अगर पिशावर जुल्मी दोनों मैच विन करके 10 पॉइंट कर लेती है तो फिर देखें क्या बनता है। सारी मैंने कंडीशन आपको बता दी हैं कि जो भी इसकी सूरत हाल है। अभी हर टीम को एक एक मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार टीमें क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान अगर एक एक मैच अपना विन कर लेती हैं, फिर तो पिशावर दोनों भी जीते तो बाहर है, फिर तो लाहौर कलंदर और पिशावर दोनों ही बाहर हैं। लेकिन अगर इनमें से मुल्तान अगर मैच एक हार जाती है तो मुल्तान बाहर हो जाएगी। मुल्तान के लिए लाजमन एक मैच जीतना ज़रूरी है पिशावर को बाहर करने के लिए। और पिशावर को तो चांस ही हैं, बाकी टीमों के पास तो मैच हैं काफ़ी, उन्होंने तो वो तो खेलेंगी, जीतेंगी तो आगे चली जाएंगी। लेकिन पिशावर के पास कोई चांस नहीं है, इसके 2 मैच हैं, दोनों ही जीतेगी तो कोई चांस बन सकता है, वरना पिशावर जुल्मी बाहर हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। आज सब दोस्त ये मुल्तों का कमेंट आ रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई हमें बताओ कि पिशावर जुल्मी का क्या बनेगा और मुल्तान सुल्तान का क्या बनेगा। मुल्तान सुल्तान की आगे पहुंच गई हैं कन्फर्म, तो कन्फर्म तो आगे नहीं पहुंची। अगर पिशावर जुल्मी एक मैच हार जाती है फिर कन्फर्म, फिर ये ऊपर की जो 4 टीमें हैं यही आगे जाएंगी। अगर पिशावर जुल्मी एक मैच हार जाती है, और अगर एक मैच पिशावर जुल्मी नहीं हारती, दोनों ही विन कर जाती है, तो फिर सब टीमों को अभी सब टीमों को एक एक मैच जीतना ज़रूरी है, लाजमन एक एक मैच जीतना ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको डेली अपडेट चाहिए। और आज की वीडियो बस इतना ही है, और हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।